क्या होता अगर अर्थ एक पॉलीहेड्रॉन हो। पॉलीहेड्रॉन हर तरह के शेप और साइज में होते हैं। कोई भी चीज़ जिसके अलग अलग फेसेस एजेस जुड़े हों उसे पॉलीहेड्रेट कहा जा सकता है। एक छह साइड वाली क्यूब जैसे अर्थ के बारे में सोचिए, या फोर फेसेस वाला एक ट्राइंगल का पिरामिड जिसे एक टेंड्राहेड्रन कहते हैं, या फिर एक के ऊपर एक रखे एक एक रेक्टेंगल पिरामिड जैसे एक ऑक्टाहेड्रॉन कहा जा सकता है। लेकिन अर्थ के न्यू शेप के लिए एक और दावेदार है, एक आयकोसाहेड्रॉन। इस पॉलीहेड्रॉन के पास 20 एक जैसे ट्राइंगल फेसेस हैं। ये इस मैप के साथ बिल्कुल अच्छे से मेल खाएगी जो 2D सरफेस पर अर्थ सबसे सही तरीके से दिखता है। तो अगर हमारा प्लैनेट एक 20 साइड वाला ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा तो कितने चांसेस हैं कि आज जिस अर्थ पर हम रहते हैं ये इसके जैसा ही होगा। आप शायद अर्थ का एक 4 कोने वाले मैप को देखा होगा, लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो ये मैप्स कितने गलत हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गोल 3D अर्थ को 2D में दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। मान लेते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी के साथ आपका वजन 90 kg है। आयकोसाहेड्रॉन फेस के सेंटर पर आपका वजन इतना ही होगा, वहीं किनारों पर आपको 58 kg का वजन महसूस होगा। वैसे बुरा नहीं है, ग्रेविटी का अलग अलग खिंचाव एक फेसिस के सेंटर से लेकर इसके किनारे तक के सफर को ऐसा बना देगा जैसे कोई हाइक हो। जैसे जैसे आप इस आयकोसाहेड्रॉन वाली नेक्स्ट अर्थ के किनारों पर चल रहे होंगे इसकी रंग खड़ी होती जाएगी। जाहिर है कि अर्थ के महासागरों पर इसका भयानक असर होगा। पानी हर फेस के सेंटर में इकट्ठा होने लगेगा जिससे हर फेस के बीच में बड़े सागर होंगे। इससे किनारों वाली जगह सूखी और बंजर हो जाएगी। हमारे एटमॉस्फेयर के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। आप देखेंगे कि ये किनारे सूरज से बहुत ही कम बचाव कर पा रहे होंगे, लेकिन सेंटर में ऐसा खतरनाक एटमॉस्फेयर होगा जो डेंजरस यूवी रेस को सरफेस तक आने में रोकेगा। डायमेक्सियन मैप को देखने से ऐसा लग सकता है कि एक आयकोसाहेड्रॉन में सारे कॉन्टिनेंट सफाई से फिट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अर्थ इस अर्थ से बहुत ही अलग दिखेगी जिसे आप जानते हैं। नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न यूरोप के कुछ हिस्सों और मिडिल ईस्ट, ये सब एक ट्राइंगल वाले फेस में होंगे। अब अर्थ के पास हर फेस के सेंटर पर 20 बिल्कुल अलग इकोसिस्टम होंगे। इनमें से हर एक के अंदर आपको जानवर और पेड़ की अलग अलग स्पीशीज मिलेंगी, लेकिन दूसरे किसी फेस तक जाने के लिए आपको अर्थ के बेजान किनारों से लेकर मुश्किल सफर तय करना होगा। एक डायमेक्सियन मैप अर्थ का एक ज्यादा रियलिटी वाला ज्योग्राफिकल नक्शा दिखाता है।